शगुन ज्यादातर गुस्से में ही होती है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है और वो रूही को स्कूल ड्रॉप करने आई है, लेकिन इशिता को शक होता है कि मैं शायद भूल गई हूँ कि शगुन ध्यान नहीं दे रही है, तो जो वो सोचती है उसका उल्टा होता है। शगुन ने एक्चुअली पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और वो उसको टाइम पे लेके आती है, तो ये वही सीक्वेंस है जहाँ पर मैं उसको बोलती हूँ कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आगे क्या ट्विस्ट देखने मिलेगा सीरियल में? वो तो क्रिएटिव वाले ही बता पाएंगे। जहाँ तक शगुन का सवाल है, बहुत ही एक्साइटिंग कैरेक्टर है, एज एन एक्टर मुझे बड़ा मजा आता है नेगेटिव शेड्स को प्ले करना, क्योंकि अलग अलग सीक्वेंस होता है, अलग अलग सीन्स होते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, तो मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा, शगुन को रियल लाइफ में गुस्सा कब आता है, गुस्सा कब होती है? शगुन को बहुत अनीता को बहुत कम गुस्सा आता है, और अगर गुस्सा आता भी है तो उसे दिखाना नहीं आता, मैं बस रोना शुरू कर देती हूँ। तो मैं जो रियल लाइफ में हूँ और जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। शगुन जैसी है अनीता, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अनीता, वो ये मोहब्बतें में आने से पहले और ये मोहब्बतें में आने के बाद कितना बदलाव हुआ, जिस तरह से आपको लोगों ने जानने लगे, शो का टीआरपी भी काफी ज्यादा, तो कितना बदलाव है? आई थिंक बदलाव तो ये आया कि लोग मुझे एज एन एक्टर, लाइक मैंने काम तो बहुत किया है लेकिन एज एन एक्टर बहुत अप्रिसिएशन मिला है, क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने काव्यांजलि किया हो या कभी सौतन कभी सहेली किया हो, सब पॉजिटिव और सिंपल कैरेक्टर्स किए हैं, तो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक नेगेटिव किरदार निभा पाऊंगी। इनफैक्ट मुझे खुद को भी अपने ऊपर डाउट था कि कर पाऊंगी कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब अप्रिसिएशन मिलता है, जब लोगों को काम पसंद आता है। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे नवरात्र का दिन चालू है, शुभकामनाएं दीजिए। और आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं, डांडिया खेलिए, गरबा खेलिए, सब खेलिए, लेकिन साथ ही साथ ये है मोहब्बतें देखते रहिए।